अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास मिनी पाजेरो का बंडल है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब के बटन पर दबाकर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का बटन बना हुआ आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको वॉच कर सकें। तो दोस्तों, हम बात को उस गाड़ी से शुरू करेंगे जिसकी फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये गाड़ी मित्सुबिशी मिनी पाजेरो 1996 मॉडल है। इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो 2007 की है और कराची की रजिस्ट्रेशन है इसकी। और ये गाड़ी पेट्रोल पर है और इसका इंजन जो है वो 1100 cc है। दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, 100% बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, साफ़ सुथरी हालत में है और इंटीरियर भी इसका खासा साफ़ सुथरी हालत में है। आप देख सकते हैं गाड़ी किसी किस्म के काम की ज़रूरत नहीं है गाड़ी में। दोस्तों, इस गाड़ी में बूफर सिस्टम भी मौजूद है और एसी और हीटर वगैरह सब वर्किंग हैं, उनमें भी किसी किस्म के काम की ज़रूरत नहीं है। और टायर्स भी 100 में से 80% साफ़ सुथरी हालत में हैं और इसके डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल हैं, मौजूद हैं। दोस्तों, इसमें एक LCD भी इंस्टॉल्ड है। दोस्तों, इस गाड़ी की डिमांड जो है वो 5,95,000 बताई गई और इसकी लोकेशन जो है वो लोधरा की बताई गई है। अगर आपको ये गाड़ी ख़रीदनी है, बाय करनी है, तो आपको लोधरा जाना पड़ेगा। तो गाड़ी में किसी किस्म के काम की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने बाय करनी है और इसे ड्राइव करना है। तो दोस्तों, ये थी गाड़ी की मुकम्मल टोटल इन्फॉर्मेशन जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद थी, मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी गाड़ी। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में जानना है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप उस पर कॉल करके मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अपनी अगली गाड़ी के बारे में जिसकी फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये गाड़ी मित्सुबिशी मिनी पाजेरो 1995 मॉडल है। इसकी माइलेज 1,50,000 और 352 किलोमीटर है और ये कराची की रजिस्टर्ड है। दोस्तों, ये गाड़ी पावर स्टेयरिंग और पावर विंडोज़ है और सस्पेंशन भी इसका और इंजन भी इसका परफेक्ट हालत में है, साफ़ सुथरी हालत में है, किसी किस्म के काम की उनमें ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस गाड़ी की लोकेशन जो है वो मुल्तान रोड लाहौर की बताई गई है। अगर आपको ये गाड़ी ख़रीदनी है तो आपको इसके लिए लाहौर जाना पड़ेगा। दोस्तों, इसका AC भी A1 है, किसी किस्म के काम की उसमें भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, गाड़ी अंदर से भी काफ़ी हद तक, खासी हद तक साफ़ सुथरी हालत में है। इसका मॉडल 1995 है और 2006 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है और इसका नंबर जो है वो कराची का है। दोस्तों, ये 1100 cc गाड़ी है और इसकी ओरिजिनल बुक और फाइल भी मौजूद है। तो दोस्तों, गाड़ी हर लिहाज से परफेक्ट है, किसी किस्म के काम की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे पास मौजूद थी। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो मैंने नीचे नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली गाड़ी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो दोस्तों, हमारी तीसरी और आखिरी गाड़ी भी मित्सुबिशी मिनी पाजेरो है और ये वाइट कलर में है और न्यू मॉडल्स में से है। इस गाड़ी का मॉडल जो है वो 2014 है और इसकी माइलेज जो है वो 90,000 है। दोस्तों, ये गाड़ी पेट्रोल पर है और इसकी लोकेशन जो है वो पाकपतन है और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो गुजरात की है। दोस्तों, इसका इंजन A1 परफेक्ट है, किसी किस्म के काम की ज़रूरत नहीं है, साउंडलेस है। दोस्तों, टायर्स भी इसके न्यू हैं, बिल्कुल योकोहामा कंपनी के टायर्स हैं, सिर्फ 1000 किलोमीटर चले हुए हैं। दोस्तों, ये 660 cc है। इंटीरियर जो है इसका वो भी टोटली जेन्युइन है और बाहर से थोड़ी से टचअप हैं, लेकिन जेन्युइन हालत में पड़ी है गाड़ी, साफ़ सुथरी है, किसी किस्म का मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ हुआ, बस थोड़ी सी टचिंग है। दोस्तों, ये 4-व्हील ड्राइव गाड़ी है और 4 व्हील इसके वर्किंग हैं और AC तो इसका A1 है, किसी किस्म के काम की उसमें ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट कूलिंग है उसकी और रिम्स भी न्यू इंस्टॉल किए हैं, वो भी साफ़ सुथरी हालत में हैं। तो दोस्तों, गाड़ी बहुत ही साफ़ सुथरी है, फैमिली यूज्ड गाड़ी है ये। दोस्तों, इसकी डिमांड 13,50,000 बताई गई है, बस आपने ख़रीदनी है और इसे ड्राइव करनी है। तो ये थी इसकी टोटल मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे पास मौजूद थी, मैंने आप तक पहुंचाई, शेयर की।
तीनों गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो मैं उसकी माजरत चाहूँगा आप लोगों से। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो मैंने नीचे नंबर दे दिया है, आप उस पर कॉल करके मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप गाड़ियों के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ ढूँढने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।